नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉरी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ अंशु। एसएसपी आकाश तोमर के आदेश पर एसपी सिटी ने थाना एकदल पुलिस के साथ एक अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापा मारा। इस छापेमार में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस को इस अवैध असलाह फैक्ट्री से असलाह बनाने के भारी मात्रा में उपकरण निर्मित व अनिर्मित तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने ये छापा थाना एकदल इलाके के नगला ताल रोड पर मारा है। दिखाते हैं पूरी खबर। एसएसपी आकाश तोमर के निर्देश पर एसपी सिटी रामयश सिंह व सीओ सदर वैभव पांडे थाना एकदल पुलिस के साथ एनएच 2 पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी इन दोनों पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली कि नगला ताल के पास एक मकान में अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इस मामले की जानकारी दोनों पुलिस अधिकारियों ने एसएसपी आकाश तोमर को दी। उन्होंने तत्काल छापा मारने के लिए निर्देशित किया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस टीम के साथ दोनों अधिकारियों ने नगला ताल में छापा मारा। मौके पर कुछ लोग अवैध तमंचा बनाते हुए मिले। पुलिस को देखकर अन्य आरोपी तो फरार हो गए, लेकिन एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पकड़े गए अभियुक्त का नाम कुलदीप कुमार है, जो थाना एकदल क्षेत्र का ही रहने वाला है। मौके से पुलिस को निर्मित व अर्ध निर्मित तमंचे और भारी मात्रा में तमंचा बनाने के उपकरण बरामद हुए। अब पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। इटावा से रामानंद तिवारी की रिपोर्ट। थाना एकदल में आज 15 तारीख को एक नगला तार रोड है, जहां पर एचके के नाम से एक भट्टा है, वहां पर मुखबिर से सूचना मिली थी थाने को कि वहां पर एक अवैध असलाह बनाने का फैक्ट्री है। मुखबिर की सूचना पर वहां पर जब गए तो वहां पर कुलदीप सिंह खेड़ापति का रहने वाला है वो मिला, और एक और इसका जो साथी था कुलदीप सिंह, वो नगला तार का रहने वाला था, वो मौके का फायदा उठा करके भाग गया। जो खेड़ापति का कुलदीप सिंह था, उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस 315 बोर का, एक 12 बोर का तमंचा जिसमें 10 खोखा कारतूस थे और 4 जिंदा कारतूस थे, एक अधबना तमंचा था 315 बोर का, जो बनाने के सामान थे, अवैध असलाह बनाने के जो सामान थे वो भारी मात्रा में उनके उसके कब्जे से पाए गए हैं, और इसके आधार पर 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, एक 241/20 और एक 242/20, जिसमें एक 203/25 है और एक है 5/25A एकदल थाने में पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना जारी है और जो छूटा हुआ अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और इस विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। जो भी इसमें शामिल होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4A न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल का आइकन दबाए, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिल सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।